हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे ईडियम्स और फ्रेसेस के बारे में। ईडियम फ्रेसेस सीरीज का हमारा ये पार्ट 7 है। पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप पहले 6 पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10 नए ईडियम्स डिस्कस करेंगे, उनका सेंटेंस यूसेज देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे, पर किस फॉर्म में? एमसीक्यू फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन रहेगा ईडियम की फॉर्म में, और नीचे आपके 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा जो उसका मीनिंग रहेगा। तो और ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम आपके सामने है, ईडियम है होल बैग ऑफ ट्रिक्स, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब होल बैग ऑफ ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी। करेक्ट डेफिनेशन है ऑप्शन बी, मतलब मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी स्किल्स हैं, टेक्निक है, यूज करके वो सब कुछ अपना गोल या फिर कोई टारगेट अचीव करना, उसके लिए यूज करते हैं ईडियम होल बैग ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। दूसरा नंबर का ईडियम देखेंगे, डॉग ईट डॉग। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, चारों में से एक इसकी करेक्ट डेफिनेशन या करेक्ट मीनिंग रहेगा। देख लेते हैं करेक्ट मीनिंग क्या है। करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन सी, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, मीनिंग कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना, किसी भी चीज को किसी भी हालत में पाने की कोशिश करना, मतलब वो बहुत ही रूथलेस है, मतलब पूरा जोर लगा रहा है किसी भी चीज पे। ईडियम है डॉग ईट डॉग। तीसरा नंबर का ईडियम देखेंगे आपके सामने, रेंगल ओवर एन एश शेडो, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कॉरल ओवर ट्रिफल्स। अब कॉरल ओवर ट्रिफल्स का क्या मतलब है कि छोटी छोटी बेबुनियाद बातों पे लड़ना, जिनका कोई मतलब नहीं है लड़ने का, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, इसे बोलते हैं हम रेंगल ओवर एन एश शेडो, ठीक है। चौथा नंबर का आइडियम देखिए, पुट्स बाय। 4 ऑप्शन नीचे गिवन है, चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, टू सेव या फिर टू स्टोर समथिंग। इसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं पुट्स बाय, किसी चीज को बचाना या किसी चीज को स्टोर करना, ठीक है। पांचवा ईडियम आपके सामने है, द नोम्स ऑफ ज्यूरिक, और 4 ऑप्शन आपको क्लियरली दिए हुए, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, मतलब बिग इंटरनेशनल बैंकर्स। बिग इंटरनेशनल बैंकर्स के लिए आप ईडियम यूज कर सकते हैं द नोम्स ऑफ ज्यूरिक, ठीक है। जो बड़े बैंकर है, बड़े फर्म के बैंकर है, उनके लिए यूज किया जाता है द नोम्स ऑफ ज्यूरिक। छठा नंबर का आइडियम देखेंगे, वोट विद वन्स फीट। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, चारों में से एक करेक्ट मीनिंग रहेगा। देख लेते हैं करेक्ट मीनिंग क्या होगा। करेक्ट मीनिंग आपका इसका रहेगा टू शो डिसअप्रूवल या फिर टू शो डिसकंटेंट, ठीक है, किसी की तरफ नाराजगी दिखाना, डिसकंटेंट दिखाना। ईडियम रहेगा वोट विद वन्स फीट, ठीक है। सातवां नंबर का ईडियम देखें, गोड एकर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, मतलब अ सिमेट्री बिसाइड अ चर्च, ठीक है। गॉड्स एकर ऑप्शन सी है, अ सिमेट्री बिसाइड अ चर्च। आठवां नंबर का ईडियम देखिए, पाम ऑफ। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब किसी चीज को बेच देना, किसी चीज को छोड़ देना, पर डिसीविंग तरीके से, चीट करते हुए, गलत इंटेंशन के साथ, गलत चीज इन गलत इंफॉर्मेशन के साथ, मतलब वो चीज कुछ और ही है और आप बता कुछ और रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पाम ऑफ, ठीक है। गलत तरीके से कोई चीज बेच देना, मतलब वो चीज कुछ और है और आप बताएं कुछ और जिससे वो जल्दी बिक जाए, ठीक है। नौवां नंबर का देखिए ईडियम, वाइप द नोज ऑफ। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, टू चीट टू रॉब टू स्टील, के लिए हम यूज करते हैं वाइप द नोज ऑफ, मतलब चीटिंग करना, रॉब करना, स्टील करना, इसके लिए ईडियम यूज होता है। फाइनल दसवां ईडियम देखेंगे, मेक अ बी लाइन। 4 ऑप्शन आपको गिवन है उसी तरीके से, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, टू रश, किसी की तरफ जल्दी से जाना, to head towards someone directly in a fastive manner, ठीक है, to rush, जल्दी से कहीं पर directly जाना, उसके लिए हम use करते हैं idiom make a beeline।
तो ये 10वां ईडियम था, 10ों के 10ों हमने डिस्कस कर लिए हैं, एमसीक्यू फॉर्म में किया था, जिससे कि एग्जाम के दौरान किस तरह से ईडियम पूछे जाए उससे आप ज्यादा यूज्ड टू रहें और थोड़ा सा फन वे में रहेगा। सीधा सीधा ईडियम फिर मीनिंग देना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो एमसीक्यू फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। उम्मीद है 10ों के 10ों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस पे सेंटेंस यूसेज देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल्स ढूंढिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के डालिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, simplylearningmaths@gmail.com। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।